हाय एवरीवन, वेलकम टू दी स्किल स्टैक। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के इस कोर्स के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट्स की। तो आप इसे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं। तो हमारे पास जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स में जो हमारे पास जो आती हैं चीज़ें, वो आती हैं इफ एल्स स्टेटमेंट्स, स्विच केस स्टेटमेंट्स, और इसके बाद जो हमारे पास इफ एल्स के साथ ही एक आती है स्टेटमेंट्स हमारे पास जो आती है, वो आती है एल्स इफ स्टेटमेंट्स। तो इसकी हम वन बाय वन वीडियो में बात करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं इफ एल्स स्टेटमेंट्स की, कि इफ क्या होता है, कि इफ माने अगर। प्रोग्रामिंग की जो एक तरीके से हमारे पास जबान है उसमें, या फिर कह सकते हैं आप लैंग्वेज है या फिर भाषा कह सकते हैं हिंदी में, तो जो भाषा है प्रोग्रामिंग की भाषा में भी हम इफ को अगर ही कहते हैं। जैसे हम नॉर्मली हिंदी में, उर्दू में इफ को अगर कहते हैं ना, इसी तरीके से हम प्रोग्रामिंग में भी इफ को अगर ही कहते हैं। तो अगर ये हो जाए तो फिर ये होना चाहिए, अगर ये ऐसा होता है तो फिर ऐसा होना चाहिए। तो ऐसे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम प्रोग्रामिंग के अंदर इफ एल्स स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट एज इक्वल टू 10, 18, ठीक है, नॉट 10। अब मैं यहाँ पर लगाऊंगा इफ लिखूंगा, ये रिजर्व कीवर्ड है, ठीक है। इफ के बाद मैं पैरेंथेसिस लगाता हूँ। दो ये पैरेंथेसिस इसलिए लगा लेते हैं, इसके अंदर आपकी कंडीशन डिफाइन होती है और उसके बाद फिर आप लगाते हैं दो कर्ली ब्रैकेट्स। अगर आप एक कंडीशन लिख रहे हैं तो आप कर्ली ब्रैकेट्स ना लगाएं, लेकिन अगर आप मल्टीपल कंडीशन के अंदर राइट कर रहे हैं, वैसे सही तरीका ये है कि आप ब्रैकेट्स को लगाएं, इन जिन हम ब्रेसिस भी कहते हैं, हम ब्रेसिस भी बोलते हैं, ब्रैकेट्स भी कहते हैं और ब्रेसिस भी बोलते हैं। तो आप ब्रैकेट्स लाजमी लगाएं, अच्छी और बेस्ट और अच्छी परफेक्ट प्रैक्टिस ये कि आप ब्रैकेट्स लगाएं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कंडीशन राइट करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एज अगर हमारी बड़ी है 16 से, तो जब ये कंडीशन ट्रू होगी ना, अगर हमारी एज जो चूंकि एज हमारी बड़ी है 16 से, तो एज हमारी बड़ी है 16 से, तो ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी। इसके अंदर मैं जो भी लिखूंगा ना, console.log, मैं जो भी लिखूंगा यहाँ पर, मैं लिखूंगा यू आर एडल्ट। अब मैं इसको सेव करके ब्राउजर पे आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। कॉपी बात करता हूँ, मैं यहाँ ब्राउजर पे आता हूँ और यहाँ मैं इसको पेस्ट करता हूँ। अब मैं आपको उसका आउटपुट दिखा देता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर आउटपुट आएगा यू आर एडल्ट, ये देखें, ठीक है। अगर मैं इस कंडीशन को फॉल्स कर देता हूँ, अगर मैं इस कंडीशन को, या लेट सपोज अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 19, अगर ये 19 हो गई वैल्यू, या मैं 18 भी कर दूंगा, इसके बराबर भी कर दूंगा, तब भी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। क्योंकि अभी बताता हूँ, 19 करता हूँ तो अब ये कंडीशन फॉल्स होगी, तो यहाँ कुछ भी शो नहीं होगा आउटपुट पर। तो ऐसे केस में जब फॉल्स हो रही है स्टेटमेंट, तो हम क्या यूज़ करते हैं, एल्स यूज़ करते हैं, कि अगर कंडीशन हमारी ट्रू नहीं हो तो हमारा जो कोड जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो गए एल्स स्टेटमेंट्स में आ जाए, ठीक है, एल्स ब्लॉक में आ जाए। इसे हम एल्स ब्लॉक कहते हैं, तो इसे हम इफ कंडीशन कहते हैं और इसे हम एल्स ब्लॉक कहते हैं। इसको एल्स ब्लॉक इस तरीके से लिखते हैं हम, एल्स के अंदर हम जो है वो अपने ये पैरेंथेसिस को हम यूज़ नहीं करते, हम सिंपल ब्रैकेट्स लिखते हैं और अपने स्टेटमेंट्स लिखते हैं इसके अंदर। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे कह रहा था मैं इसको 18 कर देता हूँ तो भी मेरे पास आंसर फॉल्स में ही रहेगा, क्योंकि मैंने अभी ये डिफाइन नहीं किया कि 18 के बराबर भी हो तो भी आप एडल्ट हो। अगर ये चीज़ मुझे करनी है तो मैं यहाँ पर मैं जो है इक्वल टू का साइन लगा दूंगा, इक्वल का साइन लगा दूंगा। तो इक्वल का साइन जब मैं लगाऊंगा तो अब मेरे पास ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि एज जो है वो 18 से बड़ी हो या फिर 18 के बराबर हो, तो मेरे पास ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो और ये प्रिंट हो मेरे आउटपुट के अंदर। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं 19 कर देता हूँ या 20 कर देता हूँ, बड़ी एज कर देंगे आप। तो अब क्या होगा कि अब यहाँ पर आप ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई। जैसे ही आप फॉल्स होगी तो आप एल्स ब्लॉक में क्या करेंगे, यहाँ पर आप एल्स ब्लॉक में लिखेंगे console.log और यहाँ पर आप लिख देंगे यू आर अ, यहाँ लिख देंगे यू आर अ मैन। मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, आप कुछ भी चाहे लिख दें, आप कुछ भी चाहे लिख दें यू आर अ मैन। तो अब जो है वो ये स्टेटमेंट आपकी प्रिंट होगी, ये देखें यू आर अ मैन, ये स्टेटमेंट आपकी प्रिंट हुई। तो इस तरीके से आप इफ एल्स स्टेटमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं
पहले मैंने आपको इफ करके दिखाया, जब आपकी कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो वो क्या होगी, अगर इफ नहीं लगा होगा, एल्स नहीं लगा होगा तो वो चीज़ आपके आउटपुट पे कुछ भी शो नहीं होगी, फॉल्स हो जाएगी। और जैसे ही अगर आप एल्स लगाएंगे तो फॉल्स स्टेटमेंट आपकी हमेशा एल्स ब्लॉक में लिखी जाती है और शो होती है। तो ये बेसिक और सिंपल तरीका है इफ एल्स को यूज़ करने का। सो आई होप कि ये वीडियो पसंद आई होगी आपको। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और कोई सजेशन है तो ज़रूर दीजिए। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो इफ एल्स के बाद जो मैंने अभी कहा एल्स इफ कंडीशन को हम जो है वो पढ़ेंगे और इसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे। इसी प्रोग्राम को या कोई दूसरा प्रोग्राम हम देख लेंगे, उसी को कंटिन्यू करके हम एल्स इफ कंडीशन का यूज़ करके देखेंगे, ठीक है, एल्स इफ स्टेटमेंट्स को यूज़ करेंगे। सो आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।